हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की खबरें कुछ इस तरह से हैं। सिरोही जिले के वेदापुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर भाई ने अपने ही चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि लाठियों से पीट पीट कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक राजा राम दिवासी वेरापुरा गांव का निवासी है। पीरा राम और बबूता राम दिवासी ने मंगलवार रात करीब 1 बजे घटना को अंजाम देते हुए राजा राम को लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि पिछले 7 सालों से परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जमीन विवाद सिरोही न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन पीरा राम और भभूता राम ने अपने ही चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया और शव को ले जाकर अपने आंगन के बाहर फेंक दिया। आरोपी उसके बाद फरार हो गए। आपके मेन मांग क्या है इसको लेकर? मांग क्या आपकी? सबके इसके मुलजिम को पकड़े नहीं लाए तो? नहीं, मुलजिम तो लाया ना दो तो? नहीं, सब है और उसका इसका परिवार है। कितने हैं? कितने हैं और परिवार और है? नहीं, करीबन कितने मुलजिम और है? और एक तो और कसनाराम और जिगाराम और जोधाराम और थोनाराम और पुनाराम। अच्छा, ने और के और अपने ने सौदू ने अपने है कृष्णा कोकू। मतलब मुजीम के जितने भी परिवार हैं उनको सबको गिरफ्तार किया? सबको गिरफ्तार। मुजीम बबूताराम के मकान के एक बॉडी पड़ी थी, जिसको उन्होंने बॉडी को लेकर आई और बबूताराम और पीराराम को दस्य थान ले। सर, इनकी मांग है कि पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाए तब हम डेड बॉडी उठाए। अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट की जाँच होने के बाद ही, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही। तो सर, अभी पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार? अभी डिटेन किए हैं, 2 लोगों को लाए। अच्छा, अच्छा, जिसने मर्डर किया था उसको तो आपने कर दिया था? अभी तक वो हमारे पास रिपोर्ट दी नहीं है, बाकी संदिग्ध अवस्था में हम देखे। पहले से उन्होंने पूर्व रंजी से जी 2014 से उनका आपस में जमीन लेकर। राजस्थान और देश की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।